हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस लाभी। तो आज है बड़ सावित्री, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको बड़ पूजनी मावस। तो आप सभी को बड़ सावित्री या बड़ पूजनी मावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आप लोग क्या करते हो इसमें मेरे को बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ तो बस अब सर वगैरह धोते हैं, तो मैंने धो लिया है। और क्या बोलते हैं, हम साड़ी वगैरह पहननी थी तो मैंने पहन ली। आज साड़ी पहन लेते हैं, वैसा कुछ है नहीं कि साड़ी पहनते हैं, हम सूट भी पहन लेते हैं, बट आज मैंने सोचा साड़ी पहन लेते हैं, थोड़ी पूजा वगैरह करनी है तो मैंने इसलिए साड़ी पहन ली। और मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। मेरी साड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। फुल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं रेडी होंगी। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, अभी नॉर्मली मेरा फेस है, सिर्फ मैं फेस धो के आई हूँ। और धोने के बाद देखो अभी तक मेरा फेस ऐसे कैसे है, ये देखो। अभी बस नहा के और फेस धोई हूँ बस, और कुछ भी नहीं किया, क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाई मैंने, नॉर्मली है। और ये मैंने रात को 5 नेल्स लगाए थे, जिसमें अनाया इतनी परेशान करती है। अनाया को खुजली होती है तो उसको सुलाने के लिए मुझे खुजली करनी पड़ती है, इसलिए मुझे फटाफट मेहंदी उतारनी पड़ी, क्योंकि रो ही जा रही थी कि मेरे खुजली करो, पापा के पास जा नहीं रही थी। और आज तो मुझे बहुत लेट हो गया था, तो मिस्टर ए के तो मैंने ना ब्रेकफास्ट में नॉर्मल सा उनको नाश्ता बना के दे दिया एंड साथ में जूस बना के दे दिया, तो खा पी के चले गए। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ये तो मैं बोलना ही भूल गई आप लोगों को। और वीडियो का बहुत ज़्यादा प्यार देना, एंड आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। तो ये जल्दी से जल्दी जाके कर देना। एंड मैं आज खाने में क्या बनाती हूँ और कैसे पूजा होती है हमारे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्किप बिल्कुल मत करना, लास्ट बार बोल रही हूँ, कितनी बार बोलूँ स्किप मत करना, ठीक है ना। वीडियो को हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, मैं अच्छी हूँ, आप सब कैसे हो। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं भी अपना यूट्यूब चैनल लेके आऊँगा, छोटू यूट्यूब चैनल, तो मुझे सपोर्ट करो जल्दी से। हाँ अब ना आपको गुस्सा आ गया भाई, इतना ही बोलती है ना, बाय कर दो, बाय बाय कर दे, गुड्डू सबको बाय करो, बाय इधर करो, बाय बाय कर जल्दी, बाय बोल, बाय सीधी बैठो, अब बोलो बाय, बाय बोलो जल्दी से, बाय बोलो, प्लैंक किस कर दो, लव यू बोल दो, लव यू ऑल ऐसे कर दो, लव यू ऑल। अरे वाह, ये बन गई है मेरी आलू छोले की सब्जी। तो मैंने बनाई यहाँ पे खीर, और मैंने हलवा भी बनाया था, पूड़ी भी बनाई थी। और आप देख सकते हो मेरी खीर कितनी अच्छी बनी है ना, और हलवा पूड़ी की मैंने फ़ोटो नहीं वीडियो नहीं ली क्योंकि मैं लेट हो रही थी, इसलिए मैंने देखो गाइस कैसे सोती है, देखो कैसे मम्मा के कर रही है, ऐसे सोती है मेरी ना, देखो ना कैसे सो गया। मैं इसके लिए खाना बना के लाई थी और मैं देखी ये तो सो गई टी वी देखती देखती, मैंने कहा बेटा उड़ तो जाए, तो जल्दी सो गई आज। अब मैं अभी तो पूजा भी नहीं करके आई और ये सो गई, मेरा काम तो पूरा कंप्लीट हो गया, खाना कंप्लीट बन गया, पर ये सो गई। खाने में मैंने बनाया था, वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा मैंने क्या क्या बनाया। वैसे मैं बता देती हूँ कि मैंने खीर बनाई है, हलवा बनाया है, पूड़ी बनाई है, आलू छोले की सब्जी बनाई है, बस ये खाने में बनाया मैंने। मैं इसको इसके लिए लेके आई गर्म गर्म पूड़ी और ये तो सो गई। लड्डो पर देखो कैसे सोती हूँ मम्मा के पास, कुछ कैसे सोता है छू, ऐसे सोता है छू, कैसे सो रही है। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ बड़ के पेड़ की पूजा करने। अब यहाँ पे आपको कोई नहीं दिख रहा है, खाली मैं अकेली हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई था ही नहीं, और क्या पता लोग और दूसरे बड़ के पेड़ की पूजा कर रहे होंगे। मुझे तो यही मिला, हमारे पास में यही था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी की पूजा कर लेते हैं, फिर इनको ऑफिस भी जाना था, तो मैंने फटाफट यहाँ पर पूजा करना स्टार्ट कर दी। मैं डेली पार्क में आती हूँ शाम को, तो मुझे पता था यहाँ पर बड़ है, तो फिर मैंने अब इसको थोड़ा, हमारे यहाँ पर फेरी लगाते हैं 13 धागे की, और फिर यहाँ पर मैंने मेरे बड़ के पेड़ की फेरी तो नहीं लगा सकती थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी जो एक टहनी है उसके ही फेरी लगा दूँ। और ऐसे हमारे 13 बार करते हैं, आप लोग के कितनी बार करते हैं, हमारे तो 13 बार करते हैं, कमेंट करके बताना। उसके बाद यहाँ पे इसके तिलक लगाते हैं, मैं इसको थोड़ा धो के तिलक तिलक लगाते हैं बड़ के पेड़ को, और फिर ये मैंने धागा फिर उसके बाद ही बांधना स्टार्ट किया था, फेरी लगाना स्टार्ट किया था। और इसके बाद ही हम लोग, हमारे अलग अलग रिवाज होते हैं अलग अलग लोगों के, तो हमारे तो ऐसे वाला कल्चर है, तो आप लोग बताना आप लोगों के कैसा है। और फिर हम यहाँ पे है ना ये पत्ता लेते हैं, और पत्ते के अंदर है ना हलवा और वो लेके जाते हैं हमारे
हमारे गेहूं के दाने होते हैं जो उबले हुए होते हैं, जिसको हम घुघरी बोलते हैं, तो वो हमें यहाँ रखने पड़ते हैं एक पत्ते में, और फिर यहाँ पे हमें बत्ती वगैरह जलानी पड़ती है, और फिर यहाँ पे ही बैठ के हम लोगों को कहानी भी सुननी पड़ती है। तो वो सब मैंने यहाँ पे किया। सबका अलग अलग कल्चर होता है, तो हमारा ऐसा ही कल्चर था, तो मैंने उसी प्रकार किया। तो अब पता नहीं यहाँ पे लोग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं तो अकेली हूँ, यहाँ पे कोई था ही नहीं, अब मुझे पता भी नहीं था। नेक्स्ट टाइम से भगवान करे मैं सबके साथ करूँ। बहुत अच्छा लगता है ना सब साथ हो, तो या तो फैमिली मेम्बर हो या अड़ोस पड़ोस के लोगों, तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपन साथ में पूजा करते हैं तो किसी भी फेस्टिवल की। तो यहाँ पे मेरी माचिस है ना, बत्ती जली नहीं रही थी, क्योंकि ना मेरी माचिस है ना गीली हो गई थी, मैं पानी का लोटा लेके आई थी ना घर से, तो इससे क्या बाइक पे आई थी तो पूरा गीला गीला सा हो गया था, इसलिए हमारे तो बस इतना ही कुछ करता है। फिर यहाँ पे मैं फेरी लगाने जा रही हूँ, तो फेरी लग ही नहीं पा रही, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, क्योंकि ना पीछे से पूरा पैक था, तो फेरी तो मैंने लगाई नहीं और मैं चुपचाप यहाँ बैठ गई। बैठने मैं सोच रही हूँ, उससे बैठने से पहले हमारे एक और रिवाज होता है, जो होता है कि हमें ना वो पहनते हैं गहने पहनते हैं हम यहाँ पे बड़ के पेड़ के पत्तों के, तो हमें यहाँ पे नाड़ होती है ना उसमें बांध बांध के, और मैं पहनना स्टार्ट कर दी। पहले मैंने रिंग में पहनी, आप हमारे यहाँ 5 या 7 आप चाहो कितनी भी पहन सकते हो, जितने आपके सुहाग की चीज़ें होती है उतना आप पहन सकते हो। अनाया भी उतर के आ गई है कि मम्मा क्या कर रही है, भी देखने लग गई। तो मैंने ना पैरों में पायल नहीं पहनती, तो मैंने आज ना पूरी धागे की मतलब मोले की धागे की और पता लगा के है ना पायल पहनना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैंने पायल पहनी तो मुझे वैसे अच्छी लगती है, इसका गहना पहनना, टीका वगैरह गले में पहनना अच्छा लगता है, तो मैंने ऐसे करके पहनना स्टार्ट कर दिया फटाफट। और क्योंकि लेट भी बहुत हो रहा था और धूप भी होने वाली थी, तो फिर अनाया भी मेरे साथ आई थी यहाँ पे पूजा करने। अनाया पूछी थी मम्मा ये क्या हो रहा है, बार बार ऐसे पूछी जा रही थी। मैंने बोला बेटा जे जे की पूजा हो रही है, अब अनाया को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आप लोग का ऐसा ही प्यार मेरे ऊपर बना रहे, और हर साल मैं ऐसे ही सदच के आऊँ पूजा करूँ। और बाकी तो मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ, मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, शेयर करना, अच्छी लगे तो अगली बार हो सकता है कि मैं फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँ, या फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँ। मैंने एक वो डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग को कौन से ब्लॉग पसंद है, तो सबसे ज़्यादा वोट जो आया वो फैमिली ब्लॉग्स पे आया। तो गाइज ये भी एक फैमिली ब्लॉग ही है, अब हम फैमिली के साथ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो हम मेरी फैमिली छोटी सी है, मतलब मैं मेरे हस्बैंड और मेरी गुड़िया, वैसे हमारी फैमिली तो है बड़ी, बट हम उनके साथ नहीं रहते ना, तो यहाँ रहते हैं, तो अब यहाँ तो हम जो लोग होंगे वही आप लोग को वीडियो में दिखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। मैं बड़ा बड़े यहाँ पे कानों में अंगुली मत कानों में भी पहनूंगी, सब जगह पहनूंगी, मैं आपको फुल लुक दिखाती इसको पहनने के बाद, पर मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे को घर पे आई ना तब तक तो सारा उतर जाएगा, इसलिए मैं दिखा ही नहीं पाऊँगी आप लोगों को। बाइक पे आऊँगी और ये पत्ते थोड़े गीले थे ना तो इस हिसाब से उतर जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने पूरा ये पहन के फिर मैंने यहाँ पे कथा करना स्टार्ट कर दी। यहाँ मैंने सुनी वट सावित्री वट की कहानी, और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे खड़े थे तो थोड़े ये भी बोले जा रहे थे, तो फटाफट यहाँ पे कहानी सुनने जा रही हूँ। और सुनने के बाद यहाँ पे फिर हमारे गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं, कोई वो तो सबके सुनते होंगे, कोई भी फास्ट हो किसी व्रत की कहानी सुनो तो फिर गणेश जी की कहानी तो सुनना नेसेसरी होती है, तो वो भी मैंने यहाँ पे सुनना स्टार्ट कर दी। और जो भी आपको वीडियो में कमी लगी हो तो वो बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारेंगे और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, और अगली बार जो भी फास्ट होगा या कुछ भी होगा तो उसको अलग से अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। बस हमारे ऐसे ही होता है, बाकी सब लोग के तो मैंने वीडियोज़ में देखी बहुत अच्छा होता है, हमारे बस ऐसे ही नॉर्मल होता है। तो ये मैंने कर ली है पूजा, और इसके बाद मैं सूरज जी को अर्घ देती हूँ। क्या आप लोगों के भी सूरज जी के अर्घ देते हैं कहानी सुनने के बाद हमारे यहाँ पे? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग।